हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो, ये मैथ्स की बुक है आपकी। मैथ्स में चैप्टर नंबर 8, 7 तक हमारे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, द नंबर 10। आज हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो करने हैं नंबर लाइन पर। देखो बच्चों, ये है नंबर लाइन। क्या है नंबर लाइन? ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे हुए हैं। 10 तक नंबर्स गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक ही नंबर लाइन में आपको सब चीज़ समझा दूँगी। ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है? जब हम इधर चलते हैं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम करते हैं प्लस। क्या करते हैं बच्चों? प्लस। कौन से डायरेक्शन में चलते हैं? जब ऐसे। और जब हम ऐसे चलते, उल्टा चलते हैं, तो हम करते हैं माइनस। अब कैसे हमको प्लस करना है? एग्जाम्पल, मुझे 2 और 3 को ऐड करना है। 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये 2 प्लस 3 करना है। अब नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे इसको? मैंने 2 पे अपनी फिंगर रख दी है, ठीक है? 2 पे फिंगर रख दी, 2 पॉइंट पे, क्योंकि ये 2 है। मैंने 2 पे अपनी फिंगर रख दी। अभी बोल रहा है 3 प्लस करना है, 1, 2, 3। अब कौन से पे मेरी पेंसिल आ गई है? 5 नंबर पे। इट मीन्स आंसर इज 5। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है? अब देखो, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू वॉट? 8। 8 कैसे आया आप? 2 प्लस 6, हमें नहीं पता कि 2 और 6 को ऐड करने पे 8 आता है। अब कैसे करेंगे हम? देखो, हमने क्या किया, 2 के ऊपर हमने पेंसिल रख दी है, फिंगर रख दी है 2 के ऊपर। अब 2 प्लस 6 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 करते ही हमारा कौन से पे आ गया पेंसिल? 8 नंबर पे। इट मीन्स आंसर इज 8। आया समझ में आपको? कैसे आया नंबर लाइन पे हम कैसे एडिशन करते हैं? उस नंबर पे पेंसिल, जैसे फर्स्ट जो नंबर है वहाँ पर आपने अपनी फिंगर रखी है, उसके बाद जो बाद वाला नंबर है उतने काउंट करो। तो जिस नंबर पे हमारा वापस पेंसिल आ रही है वो हमारा आंसर है। अब देखो, 3 प्लस 4, अब हम 3 पे रखेंगे अपनी फिंगर। अब हमें 4 ऐड करना है, 1, 2, 3, 4। अब हमारी पेंसिल किस पे आ गई? 7 पे। इट मीन्स आंसर इज 7। समझ में आया? आ जाओ नीचे। अब हम करेंगे 1 प्लस 6, अब हमने 1 पे अपनी फिंगर रखी है, अब 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन से पे आ गया हमारी पेंसिल? 7 नंबर पे। इट मीन्स आंसर इज 7। ये है नंबर लाइन से कैसे हम एडिशन करते हैं, ठीक है? अब हमारा देखो सब्ट्रैक्शन। ये तो अभी तक हमारा प्लस था, कैसे प्लस करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं? माइनस ऐसे करते हैं, 6 में से 4 को माइनस करना है। अब हम उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे? उल्टा। देखो, अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, अब हम उल्टा। 6 में से 4 को माइनस करना है। मैंने 6 पे अपनी फिंगर रखी है, ये देखो 6 नंबर पे मैंने अपनी फिंगर रखी है। अब जब मुझे माइनस करना है तो मैं उल्टा चलूँगी, 4, 1, 2, 3, 4। कौन से नंबर पे मेरी पेंसिल आ गई? 2 नंबर पे। इट मीन्स आंसर इज 2। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आया समझ में? आप देखो नीचे, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 मतलब 9 पे पेंसिल रखो पहले। ये मैंने 9 पे रखी है अपनी फिंगर, पेंसिल भी फिंगर रख देते हैं 9 पे, ठीक है? 2 माइनस करना है, 1, 2। कहाँ आ गई मेरी पेंसिल? 7 पे। इट मीन्स 9 माइनस 2, 7। आया समझ में? अब देखो, 8 माइनस 8, 8 पे मेरी फिंगर है और ए माइनस, मेरे को 8 ही करना है। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। समझ में आया आपको? अब हम करेंगे नंबर लाइन से इसको सॉल्व। अब आप नंबर लाइन 1 बना लो कोई सी भी, है ना? टेक हेल्प फ्रॉम नंबर लाइन। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जीरो ये नंबर लाइन है मेरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10 ये डॉट लगा देंगे। ये हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में है 7 माइनस 5, 7 में से 5 को माइनस करना है। 7 पे मैंने रखा, अब 5, 1 2 3 4 5, अब मेरी पेंसिल किस पे आ गई, 2 पे, इट मीन्स आंसर इज 2। 9 माइनस 4, 9 पे पेंसिल रखो, 4, 1 2 3 4, अब मेरी पेंसिल किस पे आ गई, 5 नंबर पे, इट मीन्स आंसर इज 5। बस ध्यान ये रखना है कि उल्टा चलेंगे तो माइनस होगा और ऐसे जाएंगे तो प्लस होगा। ऐसे चलना है तो प्लस, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और बड़े से छोटे की तरफ आएगा तो माइनस होगा। फिर 10 माइनस 1, अभी हमने 10 पे रखा, माइनस 1, 1 माइनस किया, 1 काउंट किया तो कहाँ आ गए, 9 पे, इट मीन्स आंसर इज 9। अब ऐसे ही 8 माइनस 7, 8 में से 7 माइनस करना, 8, 1 2 3 4 5 6 7, किस पे आ गया, 1 पे, यानी आंसर इज 1। आया समझ में, इस तरह से आप नंबर लाइन पे इसको चलाएंगे। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आपको प्लस भी नंबर लाइन पे करके देखो, वही हमारी नंबर लाइन है। अब मैं क्या, मेरे को करना है 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो गिवन है 6 प्लस 3, 6 पे मैंने रखी है, प्लस 3, 1 2 3, 9 पे आ गया, इट मीन्स आंसर इज 9। 4 प्लस 2, 4 पे रखी, प्लस 2, 1 2, 6 पे आ गई मेरी पेंसिल, इट मीन्स 6। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 6 8। अभी ये वाले आप करेंगे, ठीक है, बुक में ही। बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब क्या करना है देखो, कलर ईच पार्ट ऑफ द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कलर कोड एंड द टू नंबर इन ईच पार्ट ऑफ गेट द कोड। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 स्टैंड फॉर रेड। चलो अब आपको क्या करना है, वेरी गुड, 6 प्लस 2 क्या होता है, 8 होता है, पहले ये कर लो। 7 प्लस 0 क्या होता है, 7 होता है। 7 प्लस 2 क्या होता है, 9 होता है। और इधर क्या करना है, 5 प्लस 5 होता है 10, है ना, और 4 प्लस 1 होता है 5। अब देखो 6 प्लस 2, 8 नंबर पे कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर, है ना, 8 नंबर कहाँ पर है, 7 प्लस 1 भी क्या होता है, 8, इट मीन्स 8 8 है, 8 नंबर पे आपको कौन सा कलर फिल करना है, ऑरेंज, 8 नंबर पे कौन सा करना है, ऑरेंज, ये भी ऑरेंज, 5 प्लस 3, ये 9, 9 पे कौन सा कलर है, पर्पल, जहाँ 9 है वहाँ पर्पल, ये 10, 10 पे कौन सा है, ब्राउन, ये 3, 3 पे भी कौन सा है, येल, 3 पे ग्रीन। इस तरह से आपको ये कलर करना है सुंदर सुंदर, ओके। नाउ चैप्टर 8 इज़ कम्प्लीट। आपको ये, हम जो आपको कॉपी वर्क करना है वो हम आपको सेंड कर देंगे, ओके, थैंक यू।